और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जिस सहकारी बैंक में निदेशक हैं उसमें नोटबंदी के दौरान सबसे ज्यादा पुराने नोट जमा किए गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने शुक्रवार को इस मामले में बीजेपी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी और उनके अध्यक्ष कल से काफी घबराए हुए हैं। नोटबंदी इस देश का सबसे बड़ा घोटाला था। 19 महीने बाद काला धन सफेद करने के धंधे का पर्दाफाश हो चुका है। गुजरात में बीजेपी नेताओं द्वारा चलाए जा रहे 11 जिला सहकारी बैंकों में नोटबंदी के दौरान सिर्फ 5 दिनों में 14,300 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। इस बारे में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर तंज कसा है। गौरतलब है कि प्राइवेट न्यूज एजेंसी ने खबर दी थी कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जिस सहकारी बैंक के निदेशक हैं वो नोटबंदी के दौरान सबसे ज्यादा 500 और 1000 रुपए के प्रतिबंधित नोट जमा करने वाला जिला सहकारी बैंक था। समाचार एजेंसी के अनुसार आरटीआई के जरिए मांगी गई जानकारी से ये बात सामने आई है। मोदी सरकार ने 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों पर प्रतिबंध लगाकर उन्हें चलन से बाहर कर दिया था। प्राइवेट न्यूज एजेंसी के अनुसार मुंबई के एक आरटीआई कार्यकर्ता मनोरंजन एस रॉय को जानकारी मिली है कि अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नोटबंदी की घोषणा करने के महज 5 दिन के भीतर 745.59 करोड़ रुपए मूल्य के प्रतिबंधित नोट प्राप्त किए थे। नोटबंदी की घोषणा के 5 दिन बाद 14 नवंबर 2016 को सभी जिला सहकारी बैंकों को लोगों से प्रतिबंधित नोट जमा लेने से मना कर दिया गया था, क्योंकि ये आशंका जताई गई थी कि सहकारी बैंकों के जरिए काले धन को सफेद किया जा सकता है। बैंक की वेबसाइट के अनुसार अमित शाह उस समय बैंक में निदेशक थे और वो कई साल से इस पद पर बने हुए हैं। वही 2000 में बैंक के अध्यक्ष भी रहे हैं। एडीसीबी के पास 31 मार्च 2017 को कुल 5050 करोड़ रुपए जमा हुए थे और वित्त वर्ष 2017-18 में बैंकों का शुद्ध मुनाफा 14.31 करोड़ रहा है।